है। आज मुझे फ्री में मोमोज मिल रहा है। ये क्या कर रही हो? थोड़ी गली के बाहर तक निकाल। मना किया था ना तुम्हें गाड़ी अभी नहीं। सब लोग कह रहे थे कि बर्थडे में तुमने जो गिफ्ट दिया मुझे वो सबको अच्छा लग रहा। थैंक्स, थैंक यू। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज मैं और सुधी जाने वाले हैं। आज तो पता ही नहीं है अपन कहाँ जाने वाले, क्योंकि एक जगह नहीं जाने वाले आज। आज हम कई जगह जाने वाले हैं। सुधी चले विदाउट एक्सीडेंट। अरे मैं थोड़ी चलाऊंगी, मुझे पता है तुम यहाँ के बाद चढ़ा भी नहीं पाओगी। सुधी गिर जाएगी गाड़ी। तो गाइज अभी हम आए हैं यहाँ पुलिस चौकी में। तो यहाँ से जो है हम लोग अपना जो स्ट्रीट फूड है वो स्टार्ट करते हैं। तो पुलिस चौकी में जो हमारा ये पेट्रोल पंप है उसके जस्ट सामने ये दो ठेले लगते हैं। तो हम जो है दोनों ठेलों में एक एक बार ट्राई करने वाले हैं। और सुबह के साथ आपको सानू भाई भी दिख रहे होंगे। तो सानू भाई यहीं से गुजर रहे थे, हमने कहा तुम भी आ जाओ, तुम भी टेस्ट करके बता देना कैसा लगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हो सकता है किसी को वो ज़्यादा अच्छा लगे या किसी को ये ज़्यादा अच्छा लगे। मैं जो कंपैरिजन करने वाला हूँ वो अपने पर्सनल टेस्ट के हिसाब से करने वाला हूँ, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तो इसको ऐसा वो मत लीजिए कि मुझे ये पसंद नहीं आया तो वो बेकार है। नहीं, हो सकता है आपको वो अच्छा लगे जो मुझे अच्छा ना लगे। तो अभी चलते हैं, भैया को ऑर्डर कर। भैया एक आप दीजिए मोमोज, एक दीजिए फिंगर और एक पुलाव। खाओ सुबह, स्टार्ट करो, बताओ कैसा है टेस्ट, कैसा लगा? टेस्ट अच्छा है। टेस्ट तो सही लग रहा है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम। हाँ, और चटनी भी बेस्ट है। चटनी भी मस्त। तो अब मैं मोमोज देखता हूँ कि कैसा लगता है। मोमोज का भी टेस्ट अच्छा है, तुम्हें कैसा लगा? जिंजर गार्लिक पेस्ट के इसमें अलग ही टेस्ट आ रहा है। हाँ, चटनी के साथ। अभी पुलाव भी आने वाला है, वो भी देखते हैं कैसा रहता है। इन दोनों चीज़ों को खा के वर्थ इट है, अच्छा लगा खाने। ये दोनों चीज़ें तो बर्थ इट है। गाइस हियर इज अवर पुलाव, कैसा है? गरम है पर अच्छा है। तुम्हें कैसा लगा? एक अलग ही टेस्ट आ रहा है इसमें। अच्छा पुलाव अच्छा है, घर जैसा लग रहा है थोड़ा। सब्जी इन्होंने फ्राई बढ़िया की हुई है और मसालों का टेस्ट बढ़िया आ रहा है। हाँ टेस्ट बढ़िया आ रहा है, अच्छा लगा। ये तीनों चीज़ें अच्छी लगी मुझे। हाँ तो भैया हमने आपकी तीन चीज़ें अभी टेस्ट की हैं, तो हमें तीनों बढ़िया लगे हैं। और बता दीजिए और आपके यहाँ क्या क्या ऑप्शन है? मंचूरियन है, मंचूरियन पुलाव है, पनीर पेटीज है, रोल है। अच्छा, तो ये भी सारे दोस्तों जो है ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे भैया के यहाँ। तो तीन चीज़ों में तो वैसे क्लियर हो जाता है कि बाकी भी चीज़ें अच्छी होंगी, तो आप लोग यहाँ पर आके भैया के यहाँ विज़िट कर सकते हैं। भैया एक मोमो, एक फिंगर और एक राइस। राइस नहीं है तो ये दो चीज़ें कर दें। तो दोस्तों जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सानू यहाँ से निकल रहा था और मैंने उसे रोक लिया ब्लॉक के लिए, फिर मुझे पता चला कि एक घंटे पहले वो ऑलरेडी यहाँ आके खा चुका है। तो सानू आज तुम डबल बार खा रहे हो। आज खाना कैंसिल हो गया था ना इसलिए। और मुझे लग रहा है अब रात का भी कैंसिल हो जाएगा। सुबह खा के बताओ कैसा लगा ये वाला। ये भी गरम है बहुत, सुबह ध्यान से खाना। ये सही है, आप वीडियो शूट कर रहे हैं, आप टेस्ट से कल मुझे मिल जाए। ज़्यादा खब्बू ना बनो, जल्दी खा के बताओ कैसा लगा। ये भी मस्त है। मस्त है, तुम्हें कैसा लगा सर? मोमोस साइज़ नहीं बड़ा है और टेस्ट में भी। हाँ एक मोमोस लवर होने के नाते मैं नहीं चाहूँगा कि मुझे छोटा मोमोस मिले, मुझे बड़ा मोमोस मिला है। आई लाइक इट। लीजिए फाइनली पकड़ो सामने, भैया की क्वांटिटी भी ज़्यादा है ना। हाँ मोमोस का तो सही था टेस्ट। हाँ इसका भी सही है। हाँ मतलब ये है कि अगर आप रेंडमली भी आ रहे हैं इन दोनों में से कहीं पर भी, टेस्ट से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं आपको मिलेगा। भैया आपकी दो चीज़ें मैंने खाई, मोमोज और फिंगर्स, दोनों ही मुझे अच्छी लगी। और क्या क्या ऑप्शन आप देते हैं? रोल है, स्प्रिंग रोल है, मोमोज फ्राई स्टीम और ये मंचूरियन भी लाल बन चल रहा है, पेटीज है। हम लोगों का अगला स्टॉपेज है उदल चौक, वहाँ पर देखते हैं हम लोगों को क्या मिलता है। मुझे फ्री में मोमोज मिल रहा है। तो भैया हम आ चुके हैं इस समय उदल चौक में। ये अपना उदल चौक चौराहा, इसके ठीक सामने यहाँ पर ये भैया हैं, मोमोज और फिंगर्स यहाँ पर मिलते हैं। और भीड़ से ही आपको अंदाज़ा मिल रहा होगा कि किस लेवल के होंगे। सानू
बोल दो, एक मोमोज बोल दो उनको, एक फिंगर बोल दो। क्या कह रही हो? मेरा पेट भर गया। तो तुम नहीं खाओगी मतलब? अब टेस्ट कर लूँ क्या? टेस्ट कर लेंगे, एहसान मानो मेरे। क्या बात, चलो हमें दे दो। हाँ यही करेंगी सबसे पहले टेस्ट। कैसा है? बढ़िया। अबे प्लेट पकड़ने को कह रहा हूँ, मैं नहीं खाऊंगा क्या? ले ले। बढ़िया टेस्ट आ रहा है। ये गाइस के लिए से भी एक बचा है, तो गाइस आप लोगों के बदले मैं खा लेता हूँ, आप लोग समझना कि जैसे आप ही ने खाया। तो गाइस अब बात कुछ ऐसी है कि पेट हम लोगों का भर गया है तीन जगह खाने के बाद, तो वीडियो तो हमारी ये कंटिन्यू रहेगी पर अब किसी और दिन हम शूट करेंगे। तो दोस्तों अब हम जिस जगह पर आए हैं, ये मेरी और सुबी की जो पर्सनल हम लोगों की फेवरेट प्लेस पर आए हैं, तो आप देख सकते हैं ये जो महावीर गारमेंट है हमारे यहाँ के महोबा का, उसके ठीक सामने ये व्योगी मार्केट है, इसके अंदर है पंजाब फास्ट फूड। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं। अब आप कहेंगे कि मैं तो स्ट्रीट फूड की बात कर रहा था, ये तो मैं रेस्टोरेंट टाइप लाया हूँ। तो दोस्तों ये जो इतना पॉकेट फ्रेंडली है और इतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट है, खास तौर से यहाँ की पनीर पेटी वो मेरी पर्सनल फेवरेट है। और भैया क्या हाल है? बढ़िया। तो भैया दो पनीर पेटीज, एक सादा बर्गर और एक हाफ सादा चाउमीन, ये करा दे जाए। तो दोस्तों हमारी पनीर पेटीज आ चुकी है, ये दोस्तों यहाँ की फ्लैगशिप डिश है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं और आपने ये नहीं खाया तो आप पता नहीं क्यों आ रहे हैं। क्यों सुबह? देखिए दोस्तों यार, मुँह में पानी ही आ जाता है यार। ये लीजिए सुबह आपकी चाउमीन, और ये लीजिए प्रतीक यानी कि मैं, मेरा बर्गर। बेहतरीन हम खाएंगे और मज़े लेंगे, और टेस्ट तो मैं बता ही नहीं सकता हूँ, आप लोग खुद आइए खाइए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मज़ा आया नहीं। भैया मज़ा आ गया। जब भी आते भैया आपके यहाँ पनीर पेटीज और बर्गर तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। हाँ। जितनी बार भी खा लो मन नहीं भरता पर स्वाद से। हाँ, स्वाद तो बहुत अच्छा है यहाँ का, मज़ा आ जाता। कितना हो गया भैया? तो जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि मेरा पेट भर रहा है और सुबी का भी कुछ यही हाल है, तो हमने कहा कि क्यों ना अपने साथ एक और साथी को शामिल किया जाए। तो वेलकम टू अवर रब्बू भैया। क्या हाल है रब्बू भैया? बढ़िया। चले फिर, भूख लग रही, चलो। तो देखो भैया, शुरू हमने किया था पुलिस चौकी से और अब हम आए हैं यहाँ पर विद्या मंदिर के जस्ट सामने। तो यहाँ पर दो ठेली लगती हैं, एक ये वाली और एक आगे, तो हम करने वाले हैं दोनों में ट्राई। तो भैया क्या क्या खिलवा रहे हैं आज आप? बर्गर है, मोमोज है, चाउमीन, बर्गर। तो आप एक काम कीजिए, एक प्लेट लगाइए मोमोज, एक हाफ प्लेट दीजिए चाउमीन और थोड़े से दीजिए फिंगर। तो भी पेट खा लिया? हाफ हाफ। मेरा तो पूरा खा लिया, अभी तो शुरुआत है। अरे रब्बू ये अकेले अकेले खा रहे यार, हमें भी मौका दो। कैसा लगा? क्रिस्पी भी है और बढ़िया है। क्या कहोगे रब्बू ये चाउमीन के बारे में? जो टेस्ट हमें स्ट्रीट फूड में मिल जाता है वो तो बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिलता। वही तो बात है, तभी तो मैंने इनको खास तौर से स्ट्रीट फूड की वीडियो ला कर दी है। ये बेस्ट रेस्टोरेंट। अच्छा रब्बू ये, हम और आप चाउमीन में लगे रहे, इनने मोमोज उठा लिया। हाँ अभी कह रही थी पेट हाफ हाफ फुल है। तो अब बारी है यहाँ के मोमोज के, अब वो भी मैं खा के बताऊँ। ये मस्त है। अच्छा तुम्हें कैसे लगे? हमें भी बहुत अच्छे लगे मोमोज, बेस्ट। आपको? हम टेस्ट कर रहे हैं। मज़ा आ गया भैया आपके साथ। हाँ बढ़िया लगा। अभी मेरे पास बर्गर भी है, रोल भी है, काफ़ी पूरा मेन्यू है। हाँ हाँ है तो भैया के पास काफ़ी कुछ, लेकिन हमें इसका भी ध्यान रखना है। लेकिन भैया दो तीन चीज़ों से ही समझ में आ जाता है कि किसके यहाँ कैसा हो, तो इसलिए हमें समझ में आ गया कि हाँ चीज़ें अच्छी हैं आप। तो भैया वहाँ पर खाने के बाद अब हम लोग आ गए हैं उस
उसी के बगल वाली ठेली में। और यहाँ पर मैंने भैया से पता किया है तो इनके यहाँ पर होते हैं मोमोज और फिंगर्स, मतलब दो चीज़ें। तो अगर आप पर्टिकुलरली ये दो चीज़ें खाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। तो अब हम भैया से लेते हैं, तो भैया एक प्लेट आप मोमोज लगा दीजिए, एक प्लेट फिंगर। आपने खाया रब्बो ये यहाँ पर पहले? हाँ, क्रिस्पी रहते हैं इनके भी। अच्छा, इनके भी बढ़िया हो। लो सुबह तुम करो शुभारम्भ। सुबह कैसे लगे? मस्त है। इनके भी लाओ, मैं भी खाऊं जरा। इनके ज़्यादा अच्छा, गरम और चटपटे। हाँ, गरम और चटपटे। इनके जो चटनी है अलग ही टेक्सचर है, उसमें अलग ही टेस्ट है। मोमोज इज बेस्ट। और अब भैया कैसा लग रहा बताओ? तुम्हें बताया नहीं क्या ये तो अभी अभी निकले क्या? तो अभी बताया मैंने, बिल्कुल गर्मा गर्म दिए भैया। मैंने सुना ही नहीं, मैं तो तुम्ही से बात कर रहा था। वाह, ध्यान है नहीं, अब मुँह जला लिया। मेरी तो जीभ जल गई। हाँ, फिर भी आप खा रहे तो ये आपकी टेस्टी है। तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। तो भैया टेस्टी है तो हमें भी खाने पड़ेंगे फिर। बहुत गर्म है। तो दोस्तों वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है, हम सुबह को आए हैं यहाँ पर घर छोड़ने, क्योंकि सुबह ने ज़्यादा खा लिया है तो उसको जाना पड़ रहा है घर। जाओ, खड़े क्यों? जल्दी जाओ भैया, जाओ जल्दी जल्दी जाओ सुबह, सबके सामने दिक्कत ना हो जाए। जल्दी जाओ सुबह, जल्दी जल्दी जाओ, जा रहे। बाय सुबह। बाय, आराम आराम से जाना। तो भैया हमने पुलिस चौकी से शुरुआत करते हुए अब हम यहाँ आए हैं यहाँ पर, ये आपको दिख रही होगी इलाहाबाद बैंक। तो इलाहाबाद बैंक के जस्ट बगल में यानी कि गांधीनगर में आए हैं हम, ये श्रीनाथ फास्ट फूड। मुझे नहीं पता था, रब्बू भैया ने मुझे बताया था कि जब तुम इस तरीके की कोई वीडियो बना रहे हो तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट है। तो रब्बू भैया आप बताइए आपको क्या कैसे यहाँ पर पता? मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि इनकी सभी आइटम तो बेस्ट हैं लेकिन उसमें भी जो पुलाव है वो वन ऑफ द बेस्ट है। अच्छा। मैंने भी टेस्ट किए तो बहुत अच्छा लगा था। मतलब कह सकते हैं कि इनके यहाँ की जो फ्लैगशिप डिश है वो इनका पुलाव है, तो आज हम इनका वही टेस्ट करने वाले हैं। भैया जी क्या हाल है आप? बढ़िया, हाल चाल है? बढ़िया है। क्या क्या है आपके यहाँ? राइस है, मंचूरियन, पास्ता, चिल्ली पनीर। हमने सुना है आपका सबसे ज़्यादा फेमस राइस है, एक प्लेट राइस लगाइए सर। सुबह वी आर रियली मिसिंग यू। पहले टेस्ट करके बताते हैं फिर सुबह और जलाएंगे। खाओ खाओ आप शुरू करो। मज़ेदार, मुझे भी खाना चाहिए। हाँ, कैसा लगा? तुमने तो फर्स्ट टाइम खाया। बहुत बढ़िया। और ये बीच में ना सोयाबीन भी जो ये डाली हुई है ना, टेस्ट में चार चांद लगा रही है। सुबह मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर दिस वॉज योर बिगेस्ट लॉस। भैया जगह ही नहीं है। नहीं, जगह रहती है भैया का प्यार। सिर्फ राइस ही नहीं रखो भैया, ये भी धमाकेदार है, मज़ा आ गया। ये क्या तो मैं जा, पेट में जीरो जगह थी, जीरो। भैया को रोका भी हमने फिर भी ज़बरदस्ती दिया उन्होंने। सुबह परेशान ना होना, तुम्हारे लिए हमने पैक करा लिया। और देखो पन्नी पन्नी का भी पेट राइस की वजह से इतना भर गया कि वो भी फटने लगा। जैसे जैसे कि